छत्तीसगढ़ के जांजगीर में हनुमान मंदिर के दान पेटी को चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता। साइबर टीम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। टीम ने आरोपियों के कब्जे से नगद 37,236 रुपए, जला हुआ मोटरसाइकिल तथा घटना में उपयोग किया हुआ औजार बरामद किया है। 25/8/2024 की रात में नरिया बाबा मंदिर में जांजगीर थाना की नैला चौकी के अंतर्गत अज्ञात चोर द्वारा मंदिर की दान पेटी को चुरा के ले गए थे, जिस घटना पर पुलिस द्वारा तुरंत गंभीरता से कार्रवाई करते हुए विशेष टीम के माध्यम से लगातार साइबर सेल से इसकी जांच की जा रही थी। जांच के दौरान उस घटना पता चला कि घटनास्थल से अज्ञात चोरों द्वारा एक मोटरसाइकिल भी चुराई गई थी, तो उस मोटरसाइकिल से उनके संभावित भागने के रास्ते के रूट के CCTV की लगातार जब को चेक किया गया तो उनमें भागने के संभावित रास्ते का बलौदा होते हुए बिलासपुर जाना का पता चला, जिसमें बिलासपुर में अज्ञात संदेहियों का पता कर उनसे पूछताछ किए तो उसमें धीरेन्द्र उर्फ टिंकू वैष्णव निवासी अटल आवास थाना सरकंडा बिलासपुर को पहले पता चला, जिससे पूछताछ करने पर उसने चोरी अपने दो साथियों के साथ चोरी करना बताया, जिसकी निशानदेही पर दो अन्य विजय वैष्णव एवं रमाणे केवट निवासी हरदी टोना थाना सिरगिट्टी को पकड़ा गया, जिनके पास से लूटी गई मशरू का लगभग 36,000 रुपये, बाकी पैसा उनके द्वारा खर्च कर दिया गया था, एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिससे कि उन्होंने घटना के बाद जला दिया गया था उसे बरामद किया गया है, और उनके साथ एक घटना में मदद करने वाले जिसके पास उन्होंने अपना पैसा रखवाया था राजा, उसे भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें साइबर सेल द्वारा पहले दिन से ही उनके, चूँकि ये घटनास्थल ऐसा था कि वो नहर के किनारे का रास्ता था और उसमें जो जिस रास्ते में आगे जहाँ पर उन्होंने दान पेटी को खोल कर अपना दान पेटी को नहर में फेंक दिया था और वो उस पैसे का बंटवारा करके आगे बढ़े थे, उस संभावित रास्ते में जब लगातार हमने CCTV फुटेज चेक किए तो उस फुटेज के माध्यम से हमें सुराग मिलते गए और उसमें आगे बढ़ते हुए इसी तरह से उनके संभावित रूट का पता लगाकर पुलिस उन तक पहुँची है। हाँ, इसमें साइबर सेल एवं थाना जांजगीर पुलिस एवं थाना चांपा पुलिस एवं हमारे एडिशनल SP के नेतृत्व में DSP AJK द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।